ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة دلالة وكل دلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا حضرات ہر قسم کی حمد و ثنا تسبیح و تحلیل برائی کبریائی اللہ ذوالجلال کے لیے درود و سلام لاکھوں اور کروڑوں اور بے شمار حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ جو آیا مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اللہ ذوالجلال نے اس مقام میں اس بات کی طرف توجہ دلائی ہے کہ اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والے اپنے آپ کو مومن کہلانے والے ان کی نشانی یہ ہے کہ جہاں اللہ کے رسول جس چیز کا حکم دیں وہ لے لیں جس چیز سے سرور کائنات علیہ السلام روک دیں وہاں سے رک جائیں یعنی جو شریعت کے احکام مسائل پیغمبر زمانے بتائے ہیں مسلمان کو چاہیے کہ وہ کرے
जिन चीजों से रोका है उनसे रुक जाए। जो सरवर कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी जिंदगी में जो काम किए नहीं वो करे ना, और सारी जिंदगी अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म के मुताबिक गुजारे। एक तरफ अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म हो, दूसरी तरफ अगर बरादरी के रस्म और रिवाज हो तो मानना अल्लाह के रसूल और अल्लाह और अल्लाह के रसूल के हुक्म को मानना है, बरादरी को छोड़ देना है, उसके रस्म और रिवाज को छोड़ देना है। एक तरफ इंसान के मां बाप हो, एक तरफ रब्बे जुल जलाल की शरीयत हो, तो रब्बे जुल जलाल की शरीयत पर अमल करना है, मां बाप की शरीयत के खिलाफ बात नहीं माननी। एक तरफ बंदे के औलाद है, एक तरफ अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म है, एक तरफ बीवी है, एक तरफ अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म है, एक तरफ इंसान की आबाव अजदाद है, एक तरफ अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म है, एक तरफ अपने इमाम साहब हैं, मौलवी साहब हैं, पीर साहब हैं, हजरत साहब हैं, एक तरफ अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म है। अमल करना है तो अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म पे अमल करना है। किसी की दस्तार, पगड़ी, दाढ़ी और जुब्बे और कुब्बे को देखकर अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी नहीं करनी। अल्लाहु अकबर कबीरा। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा आपके इशारे पर कैसे अमल करते थे, हुक्म तो दूर की बात है, सरवरे कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इशारे पर भी मर मिटते थे वो सहाबा। अल्लाहु अकबर कबीरा। एक दफा सरवरे कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम खुतबा इरशाद फरमा रहे थे, कुछ सहाबा चल कर रहे थे, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, इजलिसु या सहाबा, मेरे सहाबा बैठ जाओ नीचे। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अभी मस्जिद में दाखिल हो रहे थे, एक पांव मस्जिद के अंदर रखा, दूसरा अभी बाहर था, वहां ही बैठ के सरवरे कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नजर पड़ी। कहा, अब्दुल्ला इब्ने मसूद, धूप में बैठ गए हो, अंदर आके मस्जिद में बैठो। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया था, अल्लाह के रसूल अगर आपका हुक्म आ जाए मेरा पांव कट तो सकता है लेकिन आगे नहीं बढ़ सकता। आपने फरमाया था बैठ जाओ, मैं वहां ही बैठ गया। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन तो इस तरह अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म पर अमल किया करते थे, इसीलिए रब्बे ज़ुल्जलाल ने ऐलान फरमाया, मा आताकुम अर-रसूल फखुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहू। जिस चीज का अल्लाह का नबी तुम्हें हुक्म करे फौरन मान लिया करो, जिस चीज से अल्लाह के नबी रोकते वहां फौरन रुक जाया करो।
इब्तदाए इस्लाम में शराब भी हराम नहीं थी, लोग पिया भी करते थे, फिर शराब को अल्लाह ने हराम किया। असल में वो कुछ कहीं जुमे हो गए पढ़ाए नहीं, तो इसलिए वो बोलो तो खांसी हो जाती है, कोई घबराने की जरूरत नहीं इंशाल्लाह। तो शराब की हुरमत का जब हुक्म नाज़िल हुआ तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत बिलाल हबशी को कहा, बिलाल जाओ मदीने की गलियों में ऐलान कर दो कि अल्लाह ने शराब को हराम कर दिया है। हजरत बिलाल रजी अल्लाह तआला अन्हु निकले, गलियों में ऐलान कर रहे थे, या अय्युहन नास हुर्रिमल खमर, अल्लाह ने शराब को हराम कर दिया है। हजरत अनस रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, हमने महफिल जमाई हुई थी, शराब के मटके बना के रखे हुए थे, हम कुछ लोग जमा थे और शराब पी रहे थे। इधर से बिलाल हबशी ऐलान कर रहे थे, या अय्युहन नास हुर्रिमल खमर, अल्लाह ने शराब को हराम कर दिया है। हजरत अनस फरमाते हैं, हमारे कानों में बिलाल की आवाज पड़ी, हम बाहर निकले, सुना बिलाल ऐलान कर रहा है कि अल्लाह ने शराब को हराम कर दिया है, और ये नहीं कहा जो इतनी मेहनत से बनाई थी चलो इसको पी ले, वहां ही शराब के मटकों को तोड़ा और जो पी ली थी शहादत वाली उंगली को अपने गले में डालकर उल्टी कर दी। वो सहाबा थे कि जब अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म आए तो इस तरह अमल किया करते थे, फौरन उसी वक्त मटके भी तोड़े और जो पी ली थी पेट से बाहर भी उल्टी करके निकाल दी। मा आताकुम अर-रसूल फखुजूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहू, जब अल्लाह और उसका रसूल हुक्म दे दे फौरन कर लिया करो, जब अल्लाह और उसका रसूल रोक दे तो रुक जाया करो। अल्लाहु अकबर कबीरा। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने रवाह रजी अल्लाह तआला अन्हु, नबी अलैहि सलातु वसलाम ने फरमाया, अब्दुल्लाह इब्ने रवाह तूने फलां लश्कर का अमीर बन के कुफार के साथ लड़ाई करनी है और जिहाद करना है। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने रवाह रजी अल्लाह तआला अन्हु कहने ने सो दिल में सोचा, अपने लश्कर को भेजता हूं, सुबह जुमे का दिन है, लड़ाई के लिए जा रहा हूं, कोई पता नहीं, अल्लाह शहादत की मौत दे दे तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पीछे जुमा पढ़ना भी नसीब हो के ना हो, कल जुमा है, जुमा पढ़ के निकलूंगा, लश्कर को भेज दूंगा, मेरी सवारी बड़ी तेज है, मेरा घोड़ा बड़ा तेज है, जुमा पढ़ के निकलूंगा, फलां जगह में उनसे मिल जाऊंगा, लेकिन जुमा अल्लाह के नबी के पीछे पढ़ूंगा। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम खुतबा दे रहे थे, देखा अब्दुल्लाह इब्ने रवाह बैठे हुए हैं, कहा अब्दुल्लाह मैंने तुझे फलां लश्कर का अमीर बना के भेजा था। कहते अल्लाह के रसूल मेरे पास घोड़ा बड़ा तेज है,
मैंने उनको कहा था कि फलां जगह में आपको जाके मिल जाऊंगा, जुमा अल्लाह के नबी के पीछे पड़ के जाऊंगा। जिंदगी का कोई पता नहीं बाद में नसीब हो के ना हो। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अब्दुल्ला इब्ने रवा, अगर सारी जिंदगी मेरे पीछे जुमा पढ़ता रहे तुझे इतना सवाब नहीं होगा जितना सवाब वो मेरा हुक्म सुनते ही वो निकल गए हैं मुजाहिदीन, जिनको वो जिन सहाबा को वो सवाब मिला है उस सवाब तक जिंदगी में आप तुझे नहीं मिल सकता। ये है अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म मानना। हम कहते हैं जी कुरान ही पढ़ना है, दुआई करनी है, कौन सा हमने गलत काम किया है, बेशक अल्लाह के नबी से साबित नहीं है तो फिर क्या हुआ, हमने कुरान ही तो पढ़ा है। अब्दुल्लाह इब्ने रवा रजी अल्लाह तआला ने जुमा ही तो पढ़ा था, कोई गलत काम नहीं किया था। जुमा भी अल्लाह के नबी के पीछे, जो नबियों के सरदार, जो जन्नत के सरदार, जो सारी कायनात के सरदार थे उनके पीछे जुमा पड़ा। कहा तुम वो जवाब नहीं पा सकता जो मेरा हुक्म सुन के निकल गए हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा। मा आताकुम अर-रसूल फखुजूहु वमा नहाकुम अन्हु। जब अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म आ जाए फिर किसी की बात नहीं माननी, अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म को ही मानना है। नबी अलैहिस्सलाम ने जब पर्दे की फर्जियत का ऐलान फरमाया कि औरतें जब अपने घर से बाहर निकले तो पर्दा करके निकला करें, और खवातीन ने जब सुना वहां मस्जिद में बैठे बैठे ये तहैया कर लिया कि मस्जिद से बाहर निकलेगी पर्दा करके निकलेगी, जिसके पास बड़ी चादर नहीं थी दूसरी किसी औरत से मांग के उसी वक्त पर्दा कर लिया कि अल्लाह का हुक्म नाज़िल हो चुका है कि पर्दा करके बाहर निकलना है। अल्लाहु अकबर कबीरा। ये सहाबियात थी, सिहाबियात ने ये नहीं सोचा, यही तो वो मर्द थे जिनसे अपने चेहरे को छुपाना है, जिन्होंने 40 साल से हमको देखा है, उन्होंने ये नहीं सोचा कि इन मर्दों से आप अपने चेहरे को छुपाना है जिन्होंने 30 साल से हमें देख रहे हैं। उन्होंने ये नहीं सोचा कि ये वही मर्द हैं कि जिन्होंने 25 और 20 और 15 साल पहले हमारे चेहरे को देखते थे और हम अब इनसे चेहरे छुपाने शुरू करते। अल्लाहु अकबर कबीरा। सहाबा फरमाते हैं कि रात भर लोगों के घरों में वो दीवे जलते रहे, चिराग जलते रहे, क्योंकि औरतें वो पर्दे का सामान बनाती रही। मा आताकुम अर-रसूल फखुजूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहु। जब अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म आ जाए उसी वक्त अमल करना पड़ता है, उसी वक्त रुकना पड़ता है, अल्लाह और उसके हुक्म पे अमल करना पड़ता है। अल्लाहु अकबर कबीरा। हम नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के और अल्लाह के हुक्म क्या हर जुमे में सुनते नहीं हैं? क्या हर तकरीर में अल्लाह के हुक्म पूछाए नहीं जाते? लेकिन हम टस्त मस नहीं होते, जो हमारी आदत बनी हुई है उस पर जमे हुए हैं। बेशक कोई जितनी मर्जी आयत सुनाए,
जितनी मर्जी कोई अहादीस सुनाए, लेकिन हम जहां लगे हुए हैं वहां लगे रहेंगे। अल्लाहु अकबर कबीरा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस सुनाता हूं। नबी अलैहि सलातु वसलाम ने फरमाया, सलासतुम ला युकल्लिमुहुमुल्लाहु यौमल कियामा। फरमाया तीन किस्म के आदमी हैं, कयामत का दिन होगा, ला युकल्लिमुहुमुल्लाहु यौमल कियामा, अल्लाह उनसे बात करना भी गुवारा नहीं करेंगे। अल्लाह को इतने नापसंद और अल्लाह को उन पर इतना गैज़ो गज़ब होगा कि अल्लाह उनसे बात करना भी गुवारा नहीं करेंगे। वला यंजुरुहुम, अल्लाह उनकी तरफ देखना भी गुवारा नहीं करेंगे। वला युज़क्कीहिम, और अल्लाह उनको कभी पाक नहीं करेंगे, गुनाहों से पाक उनको नहीं करेंगे। आला अबू ज़र, अबू ज़र सिहाबी बैठे हुए थे, कहा या रसूलल्लाह मन हम, या रसूलल्लाह खाबू व खसरू खासिरू, अल्लाह के रसूल ये तबाह हो गए, ये बर्बाद हो गए, ये तीन किस्म के बंदे हलाक हो गए, मन हम, अल्लाह के रसूल ये कौन है, ये बदनसीब कौन से लोग हैं। नबी अलैहि सलातु वसलाम ने फरमाया, अल मुस्बिलो, जो तकब्बुर में आके अपने कपड़े को लटका के चलता है, जो अपनी शलवार को टखनों से नीचे रख के चलता है, जो अपने ट्राउजर्स को उसके पांव उसमें छुपे हुए होते हैं, और ये मर्दों के लिए हुक्म है कि मर्दों का कपड़ा टखनों से ऊपर हो, औरतों के लिए नहीं है। औरतों के लिए अल्लाह का हुक्म है कि और जब बाहर निकले इसके पांव छुपे हुए हो, लेकिन गंगा उल्टी बह रही है। हमारी मुसलमान औरतें पांव तो दूर की बात, टांगे भी नंगी होती हैं, मर्दों के कपड़े टखनों से नीचे होते हैं, औरतों के कपड़े टखनों से ऊपर होते हैं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सिहाबियात जब बाहर निकलती थी, जो ऊपर चादरें ओढ़ी होती थी, वो दो दो चार चार इंच जमीन पर घसीटती हुई जाती थी और आके शिकायत की, अल्लाह के रसूल जब हम बाहर निकलती है हमारी चादरें जमीन पर घसीटती हुई जाती है, प्लीत मट्टी होती है और मैं हमारी चादरें प्लीत हो जाती है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, कोई बात नहीं, अगर तुम्हारी चादरें गंदी जगह पे लटक के खराब हो जाती हैं, तो आगे जब पाक मट्टी आती है तो वहां जब अब तुम्हारा कपड़ा लगता है तो पाक हो जाता है। अल्लाह के नबी ने उसको ऊपर उठाने की इजाजत नहीं दी। फरमाया अल मुस्बिलो, अपने कपड़े को टखनों से नीचे रख के जो मर्द चलता है, ला युकल्लिमुहुमुल्लाह, अल्लाह के दिन, अल्लाह कयामत के दिन उनसे बात नहीं करेगा। अल्लाहु अकबर कबीरा। दूसरे नंबर पर फरमाया, फरमाया वल मन्नान, एहसान जतलाने वाला बंदा, अल्लाह इसकी तरफ ना देखेगा, ना बात करेगा, ना इसको गुनाहों से पाक करेगा। और अल्लाह के कुरान में भी ऐलान फरमाया है,
या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुबतिलू सदकातिकुम बिल मन, फरमाया एहसान चतरा के अपने सदके को जाया न किया करो। अगर किसी बेवा को तुमने कोई पैसे दे ही दिए हैं, कोई मददकारी दी है, तो जिंदगी भर उसको यह ना कहना कि फला वक्त मैंने तेरी मदद की थी। अगर किसी यतीम की परवरिश की है और बड़े हो गए हैं, अगर पढ़ लिख कर बड़े ओहदे पर चले गए हैं, तो हम उनको जतलाते फिरे कि जब तुम बच्चे थे पाला हमने है आपको। अगर किसी की हेल्प की है तो उसको रिमाइंड नहीं करवाते रहना अपनी जिंदगी में। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर ये एहसान जतलाने वाला बंदा क़यामत के दिन अल्लाह के सामने आएगा, अल्लाह इनसे बात भी नहीं करेगा, इनसे कलाम भी नहीं करेगा, इनकी तरफ देखेगा भी नहीं। अल्लाहु अकबर कबीरा। और तीसरा बंदा फरमाया, वल मुनफिक सिरातहू, जो किसी को, किसी गरीब को अगर माल देता है तो नीयत दिल में ये रखी हुई है कि मुश्किल वक्त में ये मेरा काम करेगा, ये मेरे घर का काम काज करता है, इसलिए मैं इसको सदका दे रहा हूं। इसकी तरफ भी अल्लाह कयामत के दिन ना देखेगा, ना इसको इससे बात करेगा। वला युज़क्कीहिम, और ना इसको पाक करेगा। वलहुम अज़ाबुन अलीम। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन तीन बंदों के लिए अल्लाह ने सख्त अज़ाब तैयार किया हुआ है। और हम नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फरमान सुनकर, अल्लाह के कुरान को की आयात को सुनकर हमें भी अमल करना चाहिए। ये नहीं कि हमारी जिंदगी गुजारने के स्टाइल गैर मुस्लिम के हों, हमारे हेयर स्टाइल गैर मुस्लिम की तरह हों, हमारे बैठने का स्टाइल गैर मुस्लिम की तरह हो, हमारे चलने का स्टाइल गैर मुस्लिम की तरह हो, लेकिन अल्लाह के नबी, हाय हैज के टन से याद आया, बुखारी शरीफ की हदीस है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब बंदा बाल कटवाए तो आगे पीछे और साइडों और ऊपर से बराबर बाल होने चाहिए। जो आजकल हमारे नौजवान कर रहे हैं, ये बिल्कुल नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस के खिलाफ है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह करीम हम सब को कुरान और हदीस पे अमल करने वाला बनाए, और हमें कुरान और हदीस का शिदाई बनाए। मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, नहमदुहु व नस्ताईनुहु व नस्तगफिरु ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد। हजरत भाई, आज मैं आपके सामने आया हूँ इस्लामगढ़ में। हिफ्ज का मदरसा है जहाँ बच्चे कुरान पाक हिफ्ज कर रहे हैं, उनकी मदद के लिए, मदरसे के चंदे के लिए आया हूँ। आपसे अपील है कि जितना भी हो सके हस्बे तौफीक,
जितना भी ज्यादा हो सके इस मस्जिद के साथ तावन करें। एक साल से तकरीबन ये चल रहा है, वैसे तो 2012 में ये शुरू किया था, लेकिन रजिस्ट्रेशन ना होने की वजह से वो बीच में बंद होता रहा, फिर खुलता रहा, फिर बस। लेकिन एक साल से अल्हम्दुलिल्लाह ये जारी और सारी है। अल्लाह आपको तौफीक अता फरमाए, आपका दिया हुआ माल अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाए। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून, वसलामुन अलल मुरसलीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।